हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इडली बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिना कोई चावल दाल का बैटर बनाकर उसको रखे हुए। उसको आपको फूलने उलने का इंतज़ार करने की कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत बनाएंगे सूजी से, और उससे भी अच्छी इडली बनेगी। उसके लिए हमें ज़रूरी होगा, ये एक कटोरी मैंने लिया है, इससे लगभग 24 इडली बनेंगी। ये मैंने एक कटोरी सूजी लिया है, इसमें दही डालेंगे हम। आप ध्यान रखें कि दही जो हो ज़्यादा क्रीम वाले दूध का जमाया हुआ ना हो, नहीं तो ये इडली हमारी अच्छे से सेट नहीं होती हैं, घी की वजह से फैल जाती हैं। और इसमें हम इसी स्टेज पर थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसके बाद हमें पानी डालकर से मिक्स कर देना है ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का बैटर आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे सूजी को फूलने के लिए। इसके बाद जैसे ही हम अपने स्टैंड में भरेंगे इडली को, तब हम इसमें से इनो, ये आपका फ्रूट साल्ट व्हाइट वाला फ्लेवर है, इसको हमें इसमें आधा इनो में मिलाऊंगी एक कटोरी के लिए। इसको मैं अभी रख देती हूँ 5 मिनट फूलने के लिए, तब तक हम इसकी चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। चटनी के लिए ये कच्चे मूंगफली के दाने लिए हैं मैंने। मैं इनको रोस्ट करूंगी और रोस्ट करने के बाद में इनका छिलका निकाल लूंगी। यहाँ मूंगफली के दानों को हम धीमी आंच में रोस्ट करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे तो फिर हमारी चटनी अच्छी नहीं बनेगी। और इनका छिलका हम ठंडा होने पर ही उतारेंगे, तभी उतरेगा। जब तक हमारी बाकी की तैयारी हो रही है, हमने ये कुकर ले लिया है। कुकर में हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है, आधा इंच तक हमारा कुकर भरा होना चाहिए इसमें हमें पानी। तब तक हम इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है, हम अपने बैटर को चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत गाढ़ा हो गया है ये फूलने की वजह से, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी हम इसमें मिला देंगे इस तरह से। आप देखिए, हमने अपना पानी मिलाकर बैटर को इतना पतला कर लिया है। अब हम इसी स्टेज में इसमें इनो मिलाएंगे। देखिए, इनो डालते ही ये फूलने लगेगा। हम जल्दी से इनो को अपने बैटर में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी रखना नहीं, इंतज़ार नहीं करवाना है। हमने ये इस तरह का, ये इडली बनाने का एक बैटर ले लिया है, ये इस तरह का छोटा वाला मेरे पास 3 लीटर के कुकर का स्टैंड है। हम इसमें जल्दी से इसको पोर कर देंगे। चम्मच की हेल्प से हम इसमें भरते जाएंगे। इस तरह से हम अपने पूरे स्टैंड को भर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपना स्टैंड भरकर तैयार कर लिया। अब इसको हम डायरेक्ट तुरंत अपने कुकर के अंदर इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, मैंने रख दिया है। और हम आँच को मीडियम कर देंगे, और रखने के बाद हम ढक्कन लगाएंगे। इसमें ढक्कन से हम अपनी विसिल निकाल देंगे और 5 मिनट समय देखकर हम इसको पका लेंगे। इसके बाद हम इसको ठंडा करके निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरी दाने जो है ठंडे हो गए, मैंने इनका छिलका उतार लिया। अब ये डायरेक्ट हमारे मिक्सी में जाएगा। मिक्सर में मैंने छोटा वाला जार लिया है। ये हमारी 2 लहसुन की कलियाँ जाएंगी, इसमें 3 हरी मिर्च जाएंगी, जितना तीखा आप खाना पसंद करें। इसमें नमक हम डालेंगे, नमक अभी हम थोड़ा ही डालेंगे, बाद में टेस्ट करके और डालेंगे। और ये 2 टुकड़ा अदरक का जाएगा। और यहाँ पर मैंने इमली का पल्प नहीं लिया है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा निकालने में, इसलिए मैंने तुरंत इंस्टेंट बनाने के लिए ये नींबू लिया है। इसको भी आप अपने जितना खट्टा खाना पसंद करते हो उसी हिसाब से डालिएगा। इसके तुरंत बाद हम यहाँ पानी लेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम मिक्स करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह का हमारा पिस गया, लेकिन हमें ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से इसको चलाएंगे। अब हम अपनी चटनी में तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमें ये मैंने करी पत्ता लिया है, इसको छोटा छोटा काट लिया है। ये सूखी मिर्च है 2, ये छोटी वाली राई है। और यहाँ पर हम ऐसे एक चम्मच लेके, बड़ा चम्मच लेके उसमें सरसों का तेल गर्म कर लेंगे। ये तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें अपनी मिर्च डालेंगे। इसको थोड़ा हम ब्लैक होने तक पकाएंगे, जैसे थोड़ी डार्क हो जाए। इसके बाद हम इसमें करी लीव्स डालेंगे। करी लीव्स के चटकते ही हम ये अपनी राई डाल देंगे। राई कड़कने लगी है, और हम इसको तुरंत अपने चटनी में पोर कर देंगे। इस तरह से हमारी चटनी तैयार है, हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 मिनट हो गए हैं और मैंने कुकर से इसको निकाल लिया है। अभी ये बहुत गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा करके बस हम निकाल लेंगे और चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी ठंडी हो गई। अब मैं इसको आपको निकालना बताऊंगी। आप इस तरह से एक छोटा चम्मच लें और चम्मच को ऐसे डालते हुए इस तरह से निकाल लें। ये देखिए कितनी फ्लफी बनी है। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम अपनी सारी इडली निकाल लेंगे और हमारी इडली तैयार है। आप ध्यान रखें, इडली बनाते हुए जो बैटर है उसको पतला नहीं रखें, चाहे वो थोड़ा टाइट हो जाए।
ये देखिए हमारी इडली बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।